नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल पारदेव द्वारा जबरदस्ती पुराने स्थान पर डेरा डालने का किया प्रयास, प्रशासन ने किया विफल। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से, जहां कुछ माह पहले बैतूल जिला मुख्यालय के बीच शहर में उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड में कई सालों से डेरा डालकर रह रहे पारदेवों को पुनर्वास करते हुए सोनाघाटी क्षेत्र में शासन द्वारा जमीन दी गई और जिला मुख्यालय से उन्हें सोनाघाटी शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद भी पारदी समुदाय द्वारा मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात कुछ पारदेवों के परिवार ने बैतूल मुख्यालय के उस स्थान पर वापस आकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इस बात की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन का अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया, जहां लंबी बहस बजे और विवादित माहौल बन गया था। उसके बाद उन्हें हटाया गया। आपको बता दें कि दलबल के साथ प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और काफी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद उन्हें नगर पालिका के ट्रैक्टर के द्वारा पुनः उन्हें दिए गए स्थान पर देर रात लगभग 1 बजे रवाना किया गया। देर रात गंज थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर सहित नगर पालिका व राजस्व का अमला मौजूद रहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ था और क्या कार्रवाई की गई? क्या है, विगत दिनों अपन जो पारदी समाज के लोग हैं उनको सोनाघाटी में बसाए थे जी। तो सोनाघाटी से कुछ अपने पारदी लोग यहाँ, जहाँ उनका पुराना स्थान था जी, वहाँ आकर उन लोग डेरा जमाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया। फिर उनको समझा बुझा कर, कन्वेंस करा कर उनको उनके वापस स्थान पर पहुँचा दिया गया। प्रशासन द्वारा पहुँचाया गया। किसी ने